गरियाबंद जिले में सचिवों ने अपनी एक सूत्रीय मांग 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात समस्त सचिवों का शासकीयकरण की मांग को लेकर 8 दिनों से सभी सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल, काम बंद कलम बंद कर हड़ताल पर चले गए। साथ में रोजगार सहायक भी अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर समर्थन में पूर्व सांसद चंदूलाल पहुंचे। पूर्व सांसद चंदूलाल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गंगा जल को उठाकर कसम खाने वाले भूपेश बघेल ने अपने किए वादे को पूरा नहीं कर पाए। सिर्फ भंवरा चलाने से, गेड़ी चलाने से कोई विकास नहीं होता है और विकास के लिए नीति और नियत सही होने चाहिए। अगर नियत सही रहती है तो आज कर्मचारियों को हड़ताल पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। भूपेश बघेल की सरकार से आज छत्तीसगढ़ के सभी लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। सभी मांग का हम समर्थन करते हैं और उसी के चलते आज जो बैठे हुए बेचारे इनके बीच में आकर के हम इसके भागीदार बने और कहा कि इनका मांग जायज़ होने के कारण से पूरा अतिशीघ्र पूरा किए करें और भूपेश बघेल को हम संदेश भी देते हैं। और इसके साथ साथ 11 तारीख हम लोग धरना प्रदर्शन और करने वाले हैं किसानों की समस्या के संबंध में, उसमें भी इस मुद्दा को उठाएंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ भूपेश बघेल जी, जितना भी आप घोषणा किए हैं उन सब वादा को, घोषणा को पूरा करो, सत्ता के मद में चूर ना रहें, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ की जनता थका से महसूस कर रही है। और जब से सरकार बनी है तब से, चाहे विकास के संबंध में हो, चाहे अन्य घोषणा के संबंध में हो, हर जगह अनिश्चितता की स्थिति है। कहीं पे कोई अच्छा सा काम नहीं हो रहा है और सभी लोग परेशान हैं। सिर्फ भावरा चला लेने या गेड़ी चढ़ जाने से या छोटा खाने से छत्तीसगढ़ का विकास नहीं होता। विकास होगा जब आपका नियत सही हो, आपको नीति सही हो। लेकिन मैं देखता हूँ भूपेश सरकार का नीति सही है, नीयत सही है, जिसके चलते कर्मचारी लोगों को, बेचारों को हड़ताल में बैठना पड़ा है। तो इनका समर्थन करने के हमारे सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सहित हम सब आज आए हुए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और सभी लोग बैठ करके आज समर्थन किए। धन्यवाद।